गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो हमने कल डिस्कस किया था उसी को ही थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं। मैंने कल आप लोगों से डिस्कशन किस बारे में किया था, मैंने किया था सिक्रीटरी ग्लैंड्स के बारे में, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं ये प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम आगे जाके जिनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सिक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी कि बाह्य स्रावी संरचनाएं, या फिर इंटरनल सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स यानी कि आंतरिक स्रावी संरचनाएं जिनको हम बोल सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ में बताया था कि ये कौन कौन से होते हैं, आज हम इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किस तरह से होती हैं, क्या काम होता है इनका और किस तरह से ये वर्क करती हैं एग्जैक्टली। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन जो होती है वहां पे जैसे कि अगर लाइट नहीं आ रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो वो किसी भी एक कीड़े मकोड़े पे डिपेंड कर लेंगे जिनको हम कीटाहारी पादप बोलते हैं, या फिर इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस, ठीक है। या फिर बारिश नहीं आ रही तो अपने आप को ज़ेरोफाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर अगर मैं कहूँ कि कुछ भी और रीजन है, प्रॉपर पानी नहीं है तो स्पाइंस बना देंगे। तो यहाँ पे चीजें जो होती हैं, प्लांट जो होते हैं बहुत इजीली मोल्ड हो जाते हैं, उनके अंदर अडेप्टेशंस आ जाती हैं। यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे थे, जहाँ पे सबसे पहली ग्रंथि के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो होती है आपकी ग्रंथिल रोम, जिनको हम ग्लैंडुलर हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर हेयर। और इसकी जो प्रेजेंस है, वो कहाँ होती है? एपिडर्मिस पे होती है। एपिडर्मिस का मतलब क्या हो गया? अधिचर्म पे। यानी कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं? अधिचर्म पे उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, ये जो है ये मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो पर्टिकुलर जो ग्रंथियां हैं, या तो ये एक कोशिकीय हो सकती हैं या फिर ये बहुकोशिकीय हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक चिपचिपा सा श्लेष्मा जैसा पदार्थ निकालती है। कैसा निकालती है? श्लेष्मा जैसा पदार्थ निकालती हैं, चिपचिपा सा पदार्थ निकालती हैं। और ये जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है ये क्या करता है कि ये आकर्षित करता है, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि कुछ जैसे कि पिली पिग्वी क्यूला है, ठीक है। यहाँ पे जो एक एग्जांपल एक और आता है पिग्वी क्यूला, जो कि इसका और इसका दोनों का ही एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो क्या कहते हैं, ये जो श्लेष्मा है ये क्या करता है? कीटों को चिपकाने का काम करता है। यानी कि जो भी कीट आ रहे हैं उनको चिपकाने का, उस सरफेस पे चिपकने का काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर जो ये श्लेष्मी कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि जो म्यूसिले सिक्रीट कर रही हैं, इनमें भी इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है आपकी आधारीय कोशिका, और ये इसको हम संचय कोशिका भी बोलते हैं, जो कि म्यूसिलेज का संचय करती है। इसको हम रिजर्वेयर सेल्स भी बोलते हैं, जो क्या कर रही है? कलेक्शन कर रही है म्यूसिलेज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे स्तंभ कोशिका, जिसको हम कॉलिमिनर सेल्स बोलते हैं। ये भी क्या करती है? ये जो स्तंभ कोशिका होती है जिसको हम कॉलिमिनर सेल्स बोलते हैं, ये आगे जाके क्या करती है? श्रावण करती है जिसका, म्यूसिलेज का। तो यहाँ पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हो गई आपकी बेसल सेल, जिसको हमने क्या बोला? आधारीय कोशिका। यहाँ पे जो एक होती है कौन सी? आधारीय कोशिका, ठीक है। आधारीय कोशिका क्या काम करती है? आधारीय कोशिका करती है श्लेष्मा का श्रावण। किसका श्रावण करती है? श्लेष्मा का संचय। किसका संचय कर रही है? ये श्लेष्मा का। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्वेयर सेल्स भी बोलते हैं। और जो दूसरी होती है जिसका हम लोग नाम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ कोशिका, तो जो ये स्तंभ कोशिका है, स्तंभ कोशिका का काम क्या होता है? स्तंभ कोशिका का काम होता है ये जो श्लेष्मा वाला पदार्थ है इसको बनाने का। यानी कि इसको ये क्या काम कर रही है? श्लेष्मा का श्रावण।
तो ये भी लगभग 8 से 10 सेल्स होती हैं और ये भी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का संचय भी कर रही है और समकोशिका क्या करती है, श्लेष्मा का श्रवण करती है। ठीक है, दूसरी आती है आपकी पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोगों की बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। उनका काम क्या होता है, एंजाइम्स को सिक्रीट करना यानी कि एंजाइम्स को निकालना। एंजाइम्स आप सभी जानते हैं क्या होते हैं या उनको हम विकर बोलते हैं हिंदी के अंदर। एंजाइम्स का काम होता है किसी भी, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कभी भी रिएक्शन के अंदर यानी कि जो भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन उस अभिक्रिया की दर को तेज कर देते हैं, उनको तो हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं इनके बिना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फिर जो वसा है, लिपिड है, इनको पचाने के लिए या इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए या फिर इनको पचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, विशेष तरह की सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं और ये एंजाइम्स इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो बेटा इस चीज को समझना, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये यूजुअली किसमें पाई जाती हैं, ये कीटाहारी पादपों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, कीटाहारी पादपों में। कीटाहारी पादपों में मतलब क्या हुआ, जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बात कही थी कि जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां पे प्रकाशी, जहां पे अगर हम बात करें जहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है, बहुत ही ज्यादा डेंस सिचुएशन है, वहां पे बहुत ही ज्यादा डेंस घने जंगल है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि प्रकाश वहां पे नहीं पहुंच पाता। तो जब वहां पे प्रकाश वहां पे नहीं पहुंच पाता है तो वो क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा, तो वहां पे अडेप्टेशन आ जाती है, वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उन चेंजेस में क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं। अब इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, उसका रीजन है क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन प्लांट को बहुत ज्यादा चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है प्लांट को नाइट्रोजन, क्योंकि सारे प्रोटीन्स किसके बने हुए होते हैं, नाइट्रोजन के बने होते हैं। डीएनए किसका बना हुआ होता है, नाइट्रोजन का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो कीटाहारी पादप होते हैं उन्हें क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। सो जैसे यहाँ पे जो आपका ये जो पिग्विलिया जो नाम का जो एक प्लांट है ना, ये कैसा होता है, ये इंसेक्टिवोरस होता है और इसके अंदर एक विशेष तरह का एंजाइम होता है जिसको, मतलब यहाँ पे ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे लगभग 2 से 8 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 2 से 8 सेल्स होती हैं। और ये कब एक्टिव होती हैं, जैसे ही कोई कीट आएगा वैसे ही ये क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। तो एक्टिवेट होने के साथ साथ ये क्या बनाएंगी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बना लेंगी, क्योंकि उनको पता है कि कीट में उनको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये क्या हो जाती है बेटा, ये फिर एक्टिव हो जाती है, यहाँ पे इनको नाइट्रोजन मिल गया। अब ये एंजाइम सीक्रेट करेंगी जो किसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, जो भी वहां पे इंसेक्ट आया है उस इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट करने का काम करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, तो यही चीज होती है यहाँ पे। ये ग्लैंड्स हैं जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, हमारी बॉडी में भी ग्लैंड्स होती हैं और यहाँ पे कुछ प्लांट्स में भी ग्लैंड्स हैं जो कि हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोल रहे हैं, जो क्या बना रही हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं। अच्छा, एक और है जिसको हम अपन बोलते हैं निपेंथीस, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, निपेंथीस। और निपेंथीस में क्या होता है कि ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एक विशेष तरह का क्या बनाती है, मकरंद भी बनाती है, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल एक तरह की यहाँ पे एक, इनको हम एल्यूजरिक ग्लैंड्स बोलते हैं, मोहक ग्रंथियां बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो खुशबू निकलती है वो कीटों को आकर्षित करती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कीट आएगा ही आएगा, कीट क्यों आएगा, कुछ आकर्षण होगा तभी तो कीट आएगा। तो यहाँ पे एल्यूजरिक ग्लैंड्स होती हैं और ये एल्यूजरिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक विशेष तरह के मकरंद का श्रावण करती हैं और उस मकरंद के श्रावण
होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि कीट आकर्षित होता है। जैसे ही कीट आकर्षित होता है तो ये जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं, और जैसे ही ये बंद होंगे वैसे ही क्या होगा, इनका जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया। पहला मैंने आप लोगों को बताया ग्रंथिल रोम। ग्रंथिल रोम कैसे होते हैं, ये एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर हो सकते हैं, और ये क्या बनाते हैं, श्लेष्मा बनाते हैं। यहाँ पे दो तरह की कोशिकाएं होती है, आधारीय कोशिका और स्तंभीय कोशिका। आधारीय कोशिका क्या करती है, श्लेष्मा का संचय करती है, और स्तंभ कोशिका क्या बनाती है, श्लेष्मा का स्रावण करती है। दूसरी मैंने आपको बताई पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां कहां पे उपस्थित होती हैं, ये उपस्थित होती हैं यूजुअली गीटाहारी पौधों के अंदर, जिनको हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इंसेक्टिवोरस क्यों बनते हैं, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, प्लस वहां पे नाइट्रोजन की जहां कमी होती है, जो मार्श एरियाज है, जो दलदली एरियाज है, जहां पे नाइट्रोजन कम होता है, ऐसी जगहों पे ये कीटाहारी पादप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके अंदर बेसिकली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स किसका डाइजेशन करते हैं, प्लांट्स का, सॉरी प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हैं। इंसेक्ट को प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे नाइट्रोजन इन्हें कहाँ से मिल रहा है, कीट से मिल रहा है। एक बात का और ध्यान रखना कि नाइट्रोजन क्यों रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रोजन क्यों जरूरी होता है, तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं, प्लांट्स को अगर हम ओवरऑल बात करें, प्लांट्स को क्या चाहिए होते हैं, प्लांट्स को प्रोटीन चाहिए होते हैं, या प्लांट को डीएनए चाहिए होता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जहां पे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग रोम के बारे में बात कर रहे हैं, सिक्रेटरी संरचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और आता है जिसको हम डंशन रोम या फिर इसको हम स्टिंगिंग हेयर्स बोलते हैं। इसका जो एक कॉमन नाम होता है, इसको हम बिच्छू गोटी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम आर्टिका अर्नेस भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है समझना, ये होता क्या है कि ये जो आपका पौधा जो होता है उसके बेसल पार्ट में ये धसा हुआ रहता है, यानी कि जो उसकी एपिडर्मिस है वहां पे ये धसा हुआ रहता है, ठीक है। अब ओवरऑल ये हल्का सा जो ये वाला पार्ट है वो गोलाकार होता है। अब मान लो किसी भी जीव ने उसको हाथ लगा लिया, मतलब इस बूटी को किसी भी जीव ने अगर हाथ लगा लिया, टच कर लिया, तो उसका भाग जो ऊपर का होता है वो तो हट जाता है, और जो एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, मतलब एक हल्की सी ऐसी स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ये हाथ में घुस जाती है, और वहां से क्या हो सकता है, इससे क्या होता है कि बेटा बहुत तेजी से, बहुत जैसे कि पिन जो होता है, अगर वो हमारे हाथ में पेनिट्रेट हो जाए तो हमको बहुत इरिटेशन होती है, या कोई भी नुकीली चीज अगर अंदर चली जाए तो बहुत इरिटेशन होती है। सेम यही चीज यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे बहुत तेजी से खुजली हो सकती है, बहुत तेजी से कोई स्किन डिजीज हो सकती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये जहरीले भी होते हैं। तो ये होता क्यों है, मतलब इसकी अडेप्टेशन क्या है, इसकी अडेप्टेशन ये थी कि भाई प्लांट को यूजुअली जंतु खा जाते हैं, तो उसको जंतु खाए ना, कीट मतलब जो भी यहाँ पे और एनिमल्स हैं वो उसको खाए ना, तो यहाँ पे एक इस तरह की मॉडिफिकेशन हुई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग हेयर, यानी कि बिच्छू बूटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकरंद कोश के बारे में। मकरंद कोश को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर पार्ट में, ठीक है, फ्लोरल पार्ट के अंदर, और एक प्रेजेंट होंगे ये नॉन फ्लोरल पार्ट, यानी कि अगर ये फूल में प्रेजेंट है तो इसको हम ये बोलेंगे कि ये फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, और फूल में नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम मतलब नॉन फ्लोरल पार्ट बोलते हैं। अगर ओवरऑल इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज भी बोलते हैं, और इसको हम फ्लोरल नेक्टरीज बोलते हैं। नेक्टर
नेक्टर का मतलब होता है मकरंद। तो ये जो मकरंद है, ये मकरंद कहाँ से आया है, जो ये वर्ड आया है, क्योंकि इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, नेक्टेरियस, यानी कि जो फ्लावर के अंदर है उसको हमने क्या बोला, फ्लोरल नेक्टर, और जो फ्लोवर के बाहर है उसको हम एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, इसके अंदर सुक्रोज होता है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में ग्लूकोज और सुक्रोज होता है। यही वजह है कि जो हनी बीज होती हैं ये पराग कणों पे बैठती हैं और उनसे क्या लेती हैं, मकरंद देने की नेक्टर लेती हैं। कभी अगर हनी को आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यही वजह है कि जो हनी है उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इस तरफ में यहाँ पे जो आपके नेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर जो है वो हो सकती है, जो पूल होते हैं जैसे कि जाइलम या फ्लोयम होते हैं, कईयों में होते हैं, कईयों के अंदर नहीं होते हैं, यूजुअली नहीं ही होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, और रिलीज होने के बाद उनका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन का होता है, तो उनके अंदर तो बेसिकली एब्सेंट ही होते हैं। बट कुछ के अंदर जो उनकी जो उनको बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर संवहन पूल उपस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने दो तीन चीजों के बारे में बात करी, एक तो बात करी मकरंद कोष के बारे में, एक दर्शन रोम के बारे में, एक ग्रंथि लेयर के बारे में, और एक कंस्थिति आपकी पाचन ग्रंथियों के बारे में, चार तरह की चीजों के बारे में हमने बात करी। एक और होती है जिनको हम तेल वाहिनी बोलते हैं, यानी कि ऑयल डक्ट्स बोलते हैं। अब तेल वाहिनी या ऑयल डक्ट्स क्या होती हैं, समझना, तेल वाहिनी या जो ऑयल डक्ट्स होती हैं इनका काम क्या होता है कि ये अट्रैक्शन प्रोवाइड कराती हैं कीटों को, जैसे कि जैस्मिन हो गया या फिर कोई भी जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, मोगरा हो गया, तो इनके अंदर कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, मतलब फ्यूम्स निकलती हैं इसकी ऑयल की, जिसको हम अरोमा ऑयल्स बोलते हैं अगर हम आम भाषा में बात करें तो। और ये जो ऑयल्स होते हैं ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, अट्रैक्शन प्रोवाइड करना, किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए। अब तुम ये सोच रहे हो कि इंसेक्ट को अट्रैक्शन प्रोवाइड क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ताकि क्या हो सके, यहाँ पे पॉलिनेशन हो सके। क्लियर है ये चीज? चलिए तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल जो है मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जलरंध्र के बारे में बताऊंगी, और हम मेन बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, मेन बात हम लोग करेंगे बेसिकली जो आपके इंटरनल सिक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, और नोट्स बनाते रहिए, जहां भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।